तो दोस्तों सुपरस्टार ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर का टीजर रिलीज कर दिया गया है। और दोस्तों इस टीजर को देखने के बाद एक बात साफ जाहिर हो चुकी है कि ऋतिक रोशन इस साल की एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले हैं और साथ ही में टाइगर श्रॉफ के साथ वो एक बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश और स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आप ऋतिक रोशन के फैंस हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों ने कितने करोड़ की कमाई कर ली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर ली जाए यहाँ पर सुपरस्टार ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिससे कि आज बॉक्स ऑफिस पर 4 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि यह फिल्म इस साल की मच अवेटेड फिल्म थी, जिसे कि 2018 में रिलीज किया जाना था, लेकिन दोस्तों कुछ कारणों से इस फिल्म के रिलीज डेट में 3 से 4 बार का चेंज आ चुका है और फाइनली दोस्तों अब इस फिल्म को 12 जुलाई को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज कर दिया गया है। तो बात की जाए दोस्तों आनंद कुमार की बायोपिक फिल्म सुपर 30 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि ये फिल्म आनंद कुमार की जिंदगी और उनके एजुकेशनल प्रोग्राम सुपर 30 के ऊपर बनाई गई फिल्म है। और दोस्तों इस फिल्म के लीड में आपको सुपरस्टार ऋतिक रोशन, मृणाल ठाकुर और पंकज त्रिपाठी जी नजर आए हैं। वहीं दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया है क्वीन जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुके विकास बहल ने। वहीं दोस्तों इस फिल्म का प्रोडक्शन हाउस है रिलायंस एंटरटेनमेंट और HRX। तो दोस्तों अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में लगभग 3000 स्क्रीन्स पर लगाया गया था, जहां पर दोस्तों इस फिल्म ने अपने फर्स्ट डे में कमाए थे 11 करोड़ 83 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी शानदार रिव्यूज मिले हैं और ऋतिक रोशन सर के काम की इस फिल्म में काफी तारीफें हुई है। तो बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के सेकेंड डे के बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने सेकेंड डे बॉक्स ऑफिस पर 53.76% की ग्रोथ के साथ कमाए थे 18 करोड़ 19 लाख रुपए। वहीं दोस्तों थर्ड डे में इस फिल्म ने कमाए 40% की ग्रोथ के साथ 20 करोड़ 76 लाख रुपए। इस तरह से दोस्तों इस फिल्म का 3 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नेट इंडिया पर हो चुका था 50 करोड़ 76 लाख रुपए का। वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कमा चुकी थी 3 ही दिनों में 80 करोड़ रुपए। बताया दोस्तों आपको कि इस फिल्म का बजट मात्र 60 करोड़ रुपए का है और इस फिल्म को इंडिया बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए मात्र 60 करोड़ रुपए की जरूरत थी, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म पहले ही सैटेलाइट राइट्स और थियोरेटिकल राइट्स से बॉक्स ऑफिस पर 115 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी थी। तो दोस्तों इस लिहाजा से ये फिल्म सिर्फ अपने 3 ही दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी कमाई कर चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर होने वाली है सुपरहिट। तो अगर बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के फोर्थ डे यानी कि वर्किंग डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में टैक्स फ्री करने की मांग चल रही है और इसी कारण से दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी पसंद आ रही है और काफ़ी शानदार कमाई कर रही है। तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने फोर्थ डे में भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाया है 8 करोड़ 50 लाख रुपए। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का 4 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है 59 करोड़ 26 लाख रुपए का। इस तरह से दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपना बजट रिकवर कर चुकी है। वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 95 करोड़ रुपए की कमाई करके हो चुकी है सुपरहिट। तो अगर बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के अभी तक के टोटल वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि ये फिल्म इस साल की 8th highest ओपनर फिल्म साबित हुई है। वहीं दोस्तों इस फिल्म का फर्स्ट वीकेंड का कलेक्शन सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 और सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म दे दे प्यार दे के फर्स्ट वीकेंड के कलेक्शन से ज्यादा रहा है। तो दोस्तों इस लिहाजा से यह फिल्म इस साल की 7th highest वीकेंड हासिल करने वाली फिल्म बन चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर हो चुकी है ब्लॉकबस्टर। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर सुपरस्टार शाहिद कपूर की फिल्म कबीर सिंह के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म को रिटन और डायरेक्ट किया है संदीप वेंगा ने। और दोस्तों इस फिल्म में सुपरस्टार शाहिद कपूर के साथ नजर आई है कियारा आडवाणी, निकिता दत्ता और सुरेश ओबेरॉय। तो अगर बात की जाए इस तेलुगु रिमेक फिल्म के बारे में,
तो दोस्तों इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में 3123 स्क्रीन्स पर लगाया गया था और वहां से दोस्तों इस फिल्म ने अपने फर्स्ट डे में कमाए थे 20.21 करोड़, जो कि काफी शानदार कलेक्शन था। और दोस्तों इसी के साथ ये फिल्म शाहिद कपूर के करियर की फर्स्ट हाईएस्ट ओपनर फिल्म बन चुकी थी। बताया दोस्तों आपको कि इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी शानदार रिव्यूज मिले हैं, इस कारण से दोस्तों इस फिल्म ने अपने फर्स्ट वीक में ही इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 134.42 करोड़ की कमाई कर ली थी और बॉक्स ऑफिस पर हो चुकी थी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। सेकेंड वीक में दोस्तों इस फिल्म ने कमाए 78.78 करोड़, वही दोस्तों थर्ड वीक में इस फिल्म ने कमाए है 36.40 करोड़। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का थ्री वीक्स का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका था 249 करोड़, वही दोस्तों ये इस फिल्म का फोर्थ वीक चल रहा है और दोस्तों फोर्थ वीक में भी ये फिल्म काफी शानदार कमाई कर रही है। तो बात की जाए इसके 22nd डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने 22nd डे में कमाया है 2.54 करोड़, 23rd डे में दोस्तों इस फिल्म ने कमाया है 3.75 करोड़, वही दोस्तों 24th डे में इस फिल्म ने कमाया है 4.05 करोड़। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का टोटल अभी तक का कलेक्शन हो चुका था 259.94 करोड़ और इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म 2019 की अभी तक की हाईएस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी हुई है। बताया दोस्तों आपको कि ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी ओरी द सर्जिकल स्ट्राइक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बीट कर चुकी है और इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। तो दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अब बात कर ली जाए यहाँ पर आर्टिकल 15 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसे कि रिलीज किया गया था 28 जून को। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार कमाई कर रही है और रोज कोई ना कोई रिकॉर्ड बना रही है। सो फ्रेंड्स, इंडियन एक्ट आर्टिकल 15 के ऊपर बनाई गई ये फिल्म अपने पहले ही हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार कमाई कर चुकी थी और इस फिल्म का पहले ही हफ्ते का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 34 करोड़ का। बता दें दोस्तों आपको कि इस फिल्म को भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी पसंद किया जा रहा है और दोस्तों आयुष्मान खुराना की काफी तारीफें हो रही है। तो बात की जाए इस फिल्म के सेकेंड वीक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने सेकेंड वीक में भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार कमाई कर रही है और दोस्तों ये फिल्म अभी तक अपने सेकेंड वीक में कमा चुकी थी 18.22 करोड़, वही दोस्तों थर्ड वीक में भी इस फिल्म ने अभी तक कमा लिए हैं 7 करोड़। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर हो चुका है 57.98 करोड़, वही दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कमा चुकी है 82 करोड़। इसी के साथ दोस्तों 25 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हो चुकी है सुपरहिट। आपको दोस्तों ये फिल्म कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं इस साल की सबसे मच अवेटेड फिल्म वॉर फिल्म के बॉक्स ऑफिस प्रोडिक्शन के बारे में, जिसका कि आज ही टीजर रिलीज किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि ये फिल्म इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म है, जिसके लीड में आपको बॉलीवुड के दो एक्शन किंग टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन सर नजर आने वाले हैं। बताया दोस्तों आपको कि यशराज बैनर के काफी बड़े प्रोडक्शन हाउस में बनी ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है 2nd अक्टूबर को और दोस्तों इस फिल्म का डायरेक्शन किया है सिद्धार्थ आनंद ने। तो अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस प्रोडिक्शन के बारे में, सो फ्रेंड्स आज इस फिल्म का टीजर रिलीज किया गया है, जिससे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार रेस्पॉन्स मिला है और दोस्तों इस फिल्म के टीजर को देखते ही देखते सिर्फ 2 ही घंटे में 4 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल हो चुके थे। यानी कि दोस्तों इस फिल्म के टीजर को तो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी पसंद किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के टीजर में आपको एक्शन, ड्रामा, रोमांस सब चीजें देखने को मिल सकती है। वही दोस्तों इस फिल्म के लीड में आपको ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के साथ नजर आने वाली है वाणी कपूर, जो कि दोस्तों काफी शानदार केमिस्ट्री बनती नजर आ रही है। तो दोस्तों ये फिल्म अपने पहले ही दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक काफी बड़ी कमाई करने वाली है और कई सारे रिकॉर्ड बनाने वाली है। तो दोस्तों अगर बात की जाए इस फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में 2nd अक्टूबर को रिलीज किया जाना है, जो कि एक हॉलीडे का दिन है और दोस्तों गांधी जयंती होने के कारण ये फिल्म अपने पहले ही दिन
इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 50 से 55 करोड़ रुपए की कमाई आसानी से कर सकती है, क्योंकि इस फिल्म को यशराज बैनर लगभग 4000 से ज्यादा स्क्रीन दिलाने वाला है। यानी कि दोस्तों ये फिल्म इंडियन हिस्ट्री के ऑल पॉसिबल रिकॉर्ड्स तोड़ सकती है और ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के कैरियर की अभी तक की सबसे बड़ी फिल्म बन सकती है। वहीं दोस्तों इस फिल्म के पास लगभग 5 दिनों का वीकेंड है, जो कि काफ़ी बड़ा वीकेंड है, और इन 5 ही दिनों में दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 200 करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या ऋतिक वर्सेस टाइगर की ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपए की कमाई अपने 5 दिनों में कर पाएगी या नहीं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।